अब ये सीट बदली है, पुरुष के पास ये सीट गई है, तो महिला शक्ति इसमें क्या कहना चाहिए? महिला शक्ति ने भरपूर सहयोग किया अपने भाई को, और अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं। उन्होंने दो सांसद प्रयागराज की महिला बनाया। चंद जीत हासिल की है प्रयागराज में, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रयागराज की राजनीति पूरे प्रदेश को का एक टेस्टिंग पॉइंट है, और यहाँ प्रयागराज ने आज सिद्ध कर दिया कि प्रचंड बहुमत से उसका विश्वास मोदी जी में, योगी जी में, मौर्य जी में और भारतीय जनता पार्टी में है। इतनी प्रचंड जीत हुई 18 वोटों से, ये बहुत ही मैं समझती हूँ बहुत ही एक इसने एक लीक छोड़ी है। और वीके सिंह जी जो अध्यक्ष हैं, उनको हम बधाई देते हुए ये आशा करते हैं कि अब वो बहुत अच्छी तरीके से इस जनपद का डेवलपमेंट करेंगे, उसका विकास करेंगे, और बहुत बहुत बधाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में लोगों का विश्वास है, क्योंकि हमारे जो अधिकृत सदस्य थे उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर स्वतंत्र और अन्य पार्टी के सदस्यों ने भी वोट डाला है। इससे स्पष्ट है कि वो भी मानते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अगर कोई प्राप्त कर चुका है और करेगा तो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी और योगी जी की सरकार है। प्रतापगढ़ में राजा भैया द्वारा एक प्रत्याशी को अपहरण करने का मामला सामने आया है, ये एक बड़ी बात है कि इस तरीके से चुनावों में धांधली की गई है, इसमें मैम इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रतापगढ़ की राजनीति में हमेशा नापाक तरीके अपनाए गए हैं, और एक बार पुनः वो दृष्टिगत हुआ है, और वहाँ पर वास्तव में जो लोग एक दूसरे का हमेशा विरोध करने का नाटक करते थे, आज उनका भी पर्दाफाश हो गया, वो सब एकजुट होकर खड़े हुए हैं। हम लोग इससे विचलित नहीं होते, लेकिन जनता समझती और उत्तर प्रदेश जानता है कि प्रतापगढ़ की राजनीति कैसे चलती है, और वह कोई अच्छा तरीका नहीं है, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। सबसे बड़ी बात कि प्रयागराज की इस जीत में गंगा पार, पूर्वी गंगा पार और यमुना पार की जो सीटें हैं उनसे सबसे ज़्यादा मदद मिली, तो आपको क्या लगता है कि अब विकास के दौर में पूर्वी गंगा पार और जो फूलपुर का क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र अब विकसित होंगे, खासतौर से करछना और फूलपुर का जो क्षेत्र है, इसमें विकास कैसा होगा? पहली बार तो मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और यहाँ का जो चुनाव का संचालन देख रहे थे, डिप्टी CM श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस ज़िले में इतना विकास किया है, चारों तरफ चौड़ी चौड़ी सड़कें, ओवर ब्रिज, आपके नगर में आप सबके समक्ष ऐसे विकास कार्य हुए हैं, और जिला पंचायत के चुनाव में हमारे मेंबरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जो हमारे निर्दल मेंबर थे उन्होंने भी सरकार के विकास कार्यों को देख करके हम सबका सहयोग किया है, और प्रयागराज की जीत पूरे प्रदेश में एक दिशा तय करती है। साथियों, मैं अपने सभी जिला पंचायत के सदस्यों को बधाई देती हूँ, अपनी बड़ी बहन रीता जोशी जी को, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रेखा जी को, हमारी विधायक लोग, सभी लोगों ने सहयोग किया, और विकास कार्य किसी से भेदभाव नहीं होता, ना किया जाएगा विकास कार्य जो गांव का है, क्योंकि जिला पंचायत गांव की गलियों से जुड़ा है।